हुए और मानव को मानव बनाने का जो उपदेश दिया, जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम विश्वम एकम नीडम, इस भाव के साथ में जो एक परंपरा मानव की चली थी, वो परंपरा ही हमारी एक संस्कृति और सभ्यता है। पर तो मैं सारांश में ये कहूंगा, हमें गर्व इस बात का, इस परंपरा में पैदा हुए इसके लिए हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ भारत भूमि में पैदा होने का मतलब है हमने पहले जन्म में कोई तपस्या की होगी, साधना की होगी, पुण्य किया होगा, कोई धर्म किया होगा, जिसके कारण हमें भारत में जन्म मिला है। और मैंने शब्द कहा था इदम राष्ट्र इदम न ममा, ये देश के लिए यज्ञ भरा है। जब अपनी बात आती है तो उसको छोड़ो, जब देश की बात आती है तो अपने को समर्पित करो। देश सर्वोपरि माना सबने, और इस परंपरा के अंदर, इस व्यवस्थाओं के अंदर एक करके लगे रहना, असंभव कुछ भी नहीं है, सारे आप संभव कर दोगे। आपके अंदर महान शक्ति भरी पड़ी है, अपने को पहचानो खुद को कि मेरे अंदर महान शक्ति, उसका उपयोग करूंगा मैं आलस्य और प्रमाद में, और बिना काम की चर्चाओं में समय ना खर्च करके मैं देश के हित में जो ये यज्ञ हो रहा है, ये पुनः पंचायती राज का यज्ञ 5 साल बाद आएगा, ये झोली फिर 5 साल बाद आपके घर आएगी। इस बार हमें चूकना नहीं, भगवान फिर मौका देगा कि नहीं देगा, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बार तो हम पूरा का पूरा समय जितने दिन बचे हैं सब देश के लिए लगाएंगे। और ये प्रत्याशी खड़े हैं, ये केवल एक चेहरा है, मैं खुद प्रत्याशी, इस भाव के साथ में प्रत्याशी से भी ज्यादा चिंता करके आप सबको दौड़ना।